देखा होगा कि यहाँ पे जो CBSE की नेशनल बास्केटबॉल टूर्नामेंट हो रहा है, मैं कुछ वर्ष पहले भी यहाँ पे आया था बास्केटबॉल के टूर्नामेंट में, लेकिन आज जो मैंने जोश देखा है और टीमों में जो उत्साह देखा है वो मैंने पहले नहीं देखा, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि एक ये नेशनल इवेंट हमारे क्रिकेट की तरह बनता जा रहा है, और इसमें हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब का भी काफ़ी रोल रहा है, और हमारे इन्होंने बहुत बास्केटबॉल को यहाँ पे प्रमोट किया है, और बंसल साहब का और स्कूल का इनका जो ये इंडोर स्टेडियम है ये अपने आप में एक आयाम है, और इससे काफ़ी नेशनल लेवल के जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं ये इससे स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने का मौका मिलता है, और इसके लिए मैं स्टूडेंट्स को बधाई देता हूँ कि ये कम्पिटिटिव मैच खेल रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ कि जॉन मिल्टन स्कूल आगे ऐसे टूर्नामेंट्स करता रहे और नेशनल लेवल के टूर्नामेंट करे और उसमें इनका सहयोग रहे। CBSE अंडर 17 और 19 की नेशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता जॉन मिल्टन पब्लिक स्कूल में हो रही है, और इसमें जो हम इस साल देख रहे हैं खिलाड़ियों में किलिंग इंस्टिंक्ट बहुत ज़्यादा है, एक एक पॉइंट के लिए उनमें उत्साह है, जोश है, और एक एक पॉइंट के लिए वो अपनी जान लगा रहे हैं। ऐसे हमें उम्मीद हो रही है कि आगे चल के बास्केटबॉल के खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे और हमारे इंटरनेशनल लेवल पर भी इनमें से कुछ खिलाड़ी जाएंगे और हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। देखिए, जॉन मिल्टन पब्लिक स्कूल में नेशनल बास्केटबॉल चैंपियंस 9 तारीख से चल रही है, और मैं बहुत अच्छा लग रहा है जो इतने टाइम से डे नाइट मैच चल रहे थे, और आज जो मैच चल रहा है नीरज मोहित गुरु गोविंद स्कूल में और एक नीरजा स्कूल में, तो बड़ा कांटे की टक्कर का मैच चल रहा है, जो कि मतलब एकदम से पब्लिक जो है मतलब मैच पे अपनी निगाह गड़ाई हुई है। तो देखिए, हार जीत तो होती है, लेकिन जो एक प्लेटफॉर्म जो मिल रहा है उनको नेशनल लेवल का, ये बहुत बड़ी बात है, और उस प्लेटफॉर्म को बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये भी उनके लिए बहुत बड़ी बात है, और मैं आगे इनके लिए फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ कि ये आगे इसी तरह मैच खेलते रहें, और जॉन मिल्टन स्कूल को जो मौका मिला है वो आगे भी इस तरह मिलते रहे, जो कि थर्ड टाइम नेशनल चैंपियनशिप कराने का मौका मिला है। आगे CBSE को भी मैं बोलता हूँ कि आगे इसी तरह हमें मौका दें। इसको हो रहा है अंडर 17-19 का, वो हो रहा है गर्ल्स बॉयज का, और खिलाड़ियों में उत्साह दिख रहा है जैसे, और एक एक आगे एक एक पॉइंट पर लड़ाई हो रही, फाइटिंग हो रही है, जिसमें कि खिलाड़ियों का बहुत उत्साह है, रोमांचक मैच हो रहे हैं आज, और कल समापन समारोह है उसका, सेमीफाइनल खेला जाएगा जिसमें कि खिलाड़ियों का और भी उत्साह होगा। सेमीफाइनल स्टेज पे हो गए हैं और कुछ कुछ सेमीफाइनल भी खत्म हो गए हैं, और लड़कियों का फाइनल लगभग हम आज करा देंगे अंडर 17 और 19, जैसा कि मुझे शेड्यूल मिला है बताया है, और मैं समझता हूँ कि थर्ड फोर्थ प्लेस के भी कुछ मैच आज हो जाएंगे। कल कोशिश ये होगी कि बॉयज़ के जो अंडर 17 और 19 है उनका फाइनल रह जाएगा और वो ही पूरा कराएंगे, और उसके बाद मैं समझता हूँ लगभग जो है हमारे कांग्रेस के सांसद बिहार से माननीय तारिक अनवर जी वो आगरा में आज आ जाएंगे, और कल पारितोषिक वितरण उनके द्वारा ही किया जाएगा, और हम समझते हैं उसके साथ साथ आगरा के गणमान्य लोग पॉपुलेटेड लोग यहाँ मौजूद रहेंगे, उनके सहयोग में रहेंगे। आगरा में बास्केटबॉल का महाकुंभ जॉन मिल्टन स्कूल में हुआ है, कल उसका समापन है, और पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस के सांसद तारिक अनवर साहब आ रहे हैं, उसमें जो विजेता टीम होगी उसको भी पुरस्कार देंगे, साथ ही जिन रेफरियों ने जिन लोगों ने उसमें सहयोग दिया है उनको भी सम्मानित करेंगे। ये बहुत बड़ी काम होता है, बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, 1400 बच्चे जो पूरे देश और विदेश से आए यहाँ पर, और जॉन मिल्टन स्कूल ने जिस तरीके से अभिभावक बनकर उनका सम्मान किया है, उनका ध्यान रखा है, एक बहुत बड़ी काबिले तारीफ चीज़ रही है, और जितने भी बच्चे आए हैं यहाँ पर खेल कर आगरा को देख कर बड़े खुश हुए हैं, उनको लगा कि यहाँ की संस्कृति, जो विदेश से बच्चे आए उन्होंने भारत की संस्कृति को यहाँ देखा, भारत के लोगों से मिले जुले, अपने अनुभव एक दूसरे को साझा किए हैं, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ है ये। जॉन मिल्टन परिवार को मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और आगे भी उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके के आयोजन जॉन मिल्टन में हमेशा होते रहें।